हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं यह है कीन्स इकोनॉमिक्स के बारे में। कीन्स इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर है वो है जॉन मेनार्ड कीन्स। सो कीन्स इकोनॉमिक्स को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो कीन्स इकोनॉमिक्स जो है कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट मैनेज्ड, गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमी है। कीन्स इकोनॉमिक्स में जो है कम्प्लीट कंट्रोल जो है इकोनॉमी का, जो पूरा कंट्रोल है ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी होता है। तो ये जो गवर्नमेंट है ये इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे करते हैं अगर आप देखने जाओगे तो गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं दो पॉलिसी के थ्रू, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है फिस्कल पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये सेंट्रल बैंक का जो पॉलिसी होता है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी को सिंपल में एक्सप्लेन करूँ तो ये जो पॉलिसी है ये मनी सप्लाई का पॉलिसी है। जो टोटल इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होता है, जो पैसे का सर्कुलेशन होता है, वो सर्कुलेशन को जो कंट्रोल करते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और जो फिस्कल पॉलिसी है ये जो है गवर्नमेंट का टैक्स का पॉलिसी है, जिसमें जो है हर प्रोडक्ट्स सर्विसेज या जो भी टैक्सेस लगता है उसका पॉलिसी है। सो ये दोनों पॉलिसी के थ्रू प्राइस भी कंट्रोल होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे मनी सप्लाई के हिसाब से ही प्राइस भी डिपेंड करता है, और सेकंड टैक्स के ऊपर भी आपका जो प्रोडक्ट्स का और सर्विस का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। और जो कीन्स इकोनॉमिक्स का जो मेन थियरी है ये जो है फुली गवर्नमेंट को जो है फुल ऑथराइजेशन देते हैं कि आप इकोनॉमी को जो है खुद कंट्रोल कीजिए। कीन्स इकोनॉमिक्स में जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एनकरेज किया जाता है। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जब भी अगर इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में या फिर स्टिमुलस पैकेज, अगर आप देखते हो अभी भी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे गवर्नमेंट कोरोना के वजह से जो स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करते हैं। सो ये सब जो थियरी है ये सब इनपुट जो है कीन्स इकोनॉमिक्स का ही थियरी है। आज के डेट में अगर आप देखने जाओगे तो मोस्ट हर कंट्रीज में, तो कहूँगा कि एक भी कंट्री नहीं है जो कीन्स इकोनॉमिक्स फॉलो नहीं करता है, हर कंट्री जो है कीन्स इकोनॉमिक्स फॉलो करता है। सो जो भी कंट्रीज कीन्स इकोनॉमिक्स फॉलो कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो जो इकोनॉमी है फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट मैनेज्ड, गवर्नमेंट प्लान्ड, पूरा का पूरा गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमी होता है, जहाँ पे हर एक चीज़ हाई लेवल में जो है ऑलरेडी प्लान किया जाता है कि कौन सा सेक्टर को कितना पैसा सप्लाई करना है, कौन सा सेक्टर को ग्रो करना है, कौन सा सेक्टर को एनकरेज करना है। सो जो सेक्टर को उनको ग्रो करना है उसको कम टैक्स मारते हैं, और जिस सेक्टर को उनको डिस्करेज करना है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स मारते हैं, और जिस सेक्टर को एनकरेज करना है उसमें ज़्यादा पैसा सप्लाई करते हैं ताकि उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो। सो इस तरीके से जो है ये कीन्स इकोनॉमिक्स का जो मेन प्रिंसिपल है ये फुली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट मैनेज्ड और गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमी है। और इसका जो कम्प्लीटली ऑपोजिट व्यू जो है ये है ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।